अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं निजामुद्दीन। दोस्तों, जो आज मैं दुरूद शरीफ की फजीलत बताने वाला हूं, वो दुरूद शरीफ के अंदर से हम दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ की फजीलत मैंने एक वीडियो बना दी है, उसके ऊपर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस फजीलत को भी सुन सकते हैं। पहली फजीलत ये है कि अगर हम रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले हम तीन मरतब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो हमने जन्नत की कीमत अदा कर दी, इतना सवाब मिलेगा। दूसरी फजीलत ये है कि अगर हमने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा की रात यानी जुमेरात की रात को और जुमा के दिन इतना मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जिसका गिनती नहीं हो सकता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन मैं उसका गवाह बनूंगा, मैं उसकी सिफारिश कराऊंगा और मेरे साथ जन्नत में ले जाऊंगा। और तीसरी फजीलत ये है, जुमा के दिन 100 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसको नूर अजीम मिलता है, कल कयामत के दिन उसको नूर अजीम मिलेगा। और नूर अजीम ऐसा होगा, अगर उसके चेहरे के ऊपर से उसके ऊपर से नूर पूरी मखलूक को दिया जाएगा, फिर भी उसके लिए नूर इतना काफी होगा कि पूरी मखलूक देखते ही रह जाएगी। और तीसरा अमल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमा की रात यानी जुमेरात की रात को और जुमा के दिन मेरे ऊपर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी 100 हाजते पूरी फरमाता है, 70 हाजते आखिरत की और 30 हाजते दुनिया की अल्लाह ताला उसके ऊपर नाजिल फरमाएंगे। अगर जो हाजत जायज होगी तो अल्लाह ताला उसको जरूर भी जरूर पूरी फरमाएंगे। उस दुरूद शरीफ को पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है, जिस तरह हमें कोई तोहफा देता है और हमें कितनी खुशियां होती है, तो वो फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर हमारे दुरूद शरीफ ऐसे पेश करेगा जिस तरह के कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दे रहा हो। चौथी फजीलत ये है कि जो शख्स जुमा के दिन 200 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर हमारे सगीरा गुनाह है तो 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हमारे कबीरा गुनाह माफ करने के लिए हमें अल्लाह से रो रोकर तौबा मांगनी होगी, अगर हमारा कबीरा गुनाह है तो। अगर सगीरा गुनाह है तो 200 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देंगे। हमें इस दुरूद शरीफ का अमल हर जुमा के दिन करना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दे ताकि जो लोग इस दुरूद शरीफ पर अमल करेगा उसका सवाब आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, और दूसरा जो शेयर करेगा उसको मिलेगा। तीसरा, हमें इस दुरूद शरीफ को इस आगे शेयर करना है ताकि और ज्यादा लोग अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमें इस दुरूद शरीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।